गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और नॉर्मल से क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, जिसमें मैट्रिक्स को एडिशन करना, उसका सब्ट्रैक्शन करना, उसका मल्टीप्लिकेशन करना। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 12। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 3, 2, बी इज इक्वल टू 1, 3, -2, 5, सी इज इक्वल टू -2, 5, 3, 4, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए प्लस बी, मतलब ए और बी को क्या करना है आपको, एड प्लस करना है। तो फर्स्ट ए की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, 2, 4, 3, 2, देन प्लस बी, बी कितना है आपके 1, 3, -2 एंड 5। दोनों को जो प्लस करते हैं, प्लस कैसे होगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या हो जाएगा, ऐड। तो ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1, इसका सेकंड एलिमेंट 4, देन 3, थर्ड एलिमेंट 3, इस साइड में -2, फोर्थ एलिमेंट 2 प्लस 5। दोनों को जैसे ही प्लस करेंगे 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 -2 1 एंड 2 प्लस 5 7। तो आपका आंसर क्या रहेगा ए प्लस बी का, 3, 7, 1 एंड 7। देन सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा इसका, ए माइनस बी, मतलब ए को बी से क्या करना है माइनस। तो ए माइनस बी, ए की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, 2, 4, 3, 2, माइनस बी की वैल्यू क्या रहेगी, 1, 3, -2 एंड 5। दोनों को क्या करना है माइनस, माइनस कैसे करेंगे, जिस तरह से आपने ऐड किया था उसी तरह से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो 2, 2 देन -1, सेकंड 4 देन -3, थर्ड 3 देन माइनस, और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2, देन आपका क्या रहेगा 2 माइनस 5। तो आपका आंसर क्या रहेगा, देखें अपन 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 4 माइनस 3 भी कितना रहेगा 1, 3 प्लस 2 कितना रहेगा आपके 5, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। तो a माइनस बी का आपका आंसर ये रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके 3a माइनस सी, वही फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट चल रहे हैं। क्या क्वेश्चन है 3a माइनस सी, 3a में से c को क्या करना है माइनस, देन वैल्यू पुट करें आप 3a की वैल्यू 2, 4, 3, 2, माइनस सी की वैल्यू -2, 5, 3 एंड 4। 2 से इसका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जैसे ये 3 है तो 3 का सब एलिमेंट से क्या होगा आपका मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9 एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, माइनस क्या रहेगा आपका -2, 5, 3 देन 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे जैसे अपने सेकंड क्वेश्चन में करा था 6, 6 माइनस 2, देन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 2 क्या आंसर रहेगा आपका 8। इसी तरह से देखो 12 माइनस करना है किसको 5 को, तो 12 माइनस 5 कितना रहेगा 7, देन क्वेश्चन कितना है 9, 9 में से माइनस किसको करना है 3 को, तो 9 माइनस 3 कितना रहेगा आपका 6, देन आपका 6, 6 माइनस 4 कितना होता है 2। तो थर्ड क्वेश्चन आपका आंसर कितना रहेगा 8, 7, 6 एंड 2। देन अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ए बी, ए बी का मतलब ए को बी से क्या करना है मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू है 2, 4, 3, 2 और b की वैल्यू है आपके 1, 3, -2 एंड 5, 1, 3,
माइनस टू एंड फाइव मल्टीप्लाई नॉर्मली जैसे प्लस माइनस करा उस टाइप से नहीं होगा, इसका कुछ अलग प्रोसेस रहता है वो आप देखे पहले। इसमें मल्टीप्लाई जैसे इस साइड में रो चलेगी तो इसका कौन सा यूज होगा आपका कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो अपन मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, तो पहले देखो टू का किससे मल्टीप्लाई होगा, वन से, ये रो और ये वाली आपकी कॉलम, तो टू का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका टू, टू वन जा टू, देन फोर का किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस टू से, फोर माइनस टू कितना रहेगा आपका माइनस का एट। इसी तरह से वापस फर्स्ट रो का किससे मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से, तो करें आप टू का थ्री से मल्टीप्लाई करा कितना हुआ सिक्स, एंड फोर का फाइव से मल्टीप्लाई करा फोर फाइव जा ट्वेंटी, फर्स्ट रो का वर्क कंप्लीट। देन अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड रो, सेकंड रो में क्या आ रहा है थ्री एंड टू, तो थ्री का मल्टीप्लाई किससे करेंगे वन से, तो थ्री का वन से मल्टीप्लाई करा थ्री, एंड टू का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से, तो माइनस टू का टू से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का फोर। इसी तरह से यहां पर सेकंड रो का किससे करेंगे सेकंड कॉलम से, तो थ्री का मल्टीप्लाई हो गया आपका थ्री से नाइन, एंड टू का मल्टीप्लाई हो गया फाइव से, टू फाइव जा टेन। जब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर कितना बना टू माइनस एट माइनस सिक्स, सिक्स प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स, थ्री माइनस फोर माइनस वन, एंड नाइन प्लस टेन नाइनटी। तो a मल्टीप्लाई b की वैल्यू आप क्या रहेगी माइनस सिक्स ट्वेंटी सिक्स माइनस वन एंड नाइनटी। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेके हैं, a मल्टीप्लाई b की वैल्यू आप क्या रखी थी, देन अगर इसी तरह से आपको b को a से मल्टीप्लाई करना पड़े किससे b का, वही सेम प्रोसेस रहेगा बट पहले कौन आएगा आपका b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है वन थ्री माइनस टू फाइव, एंड ए की वैल्यू टू फोर थ्री एंड टू। इसको मल्टीप्लाई किस टाइप से करेंगे, जैसे अपने ए को बी से मल्टीप्लाई करा था, ए का जिस टाइप से ए का बी से मल्टीप्लाई हुआ है उसी टाइप से अपन का मल्टीप्लाई किससे होगा बी का ए से। तो आप ये ट्राई कर लेना और जो भी आंसर आया आप कमेंट करना। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड के अंदर वही वापस चलेगा कंप्यूट द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको, यहाँ पर क्या दे रखा है प्लस, मतलब इसको इसमें क्या करना है आपको प्लस करना, तो प्लस करना आपको आता है, ए को किस में प्लस करोगे ए से, तो कितना हो जाएगा आपका टू ए, देन बी को किस में प्लस करोगे बी में, तो आंसर क्या रहेगा टू बी, देन माइनस बी एंड प्लस बी, माइनस बी प्लस बी कितना होता है जीरो, एंड ए और ए, ए को ए से प्लस करा कितना हो गया आपका टू ए, ये चीज होगी। अब सब में से आप अगर टू कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन भी आ सकता है, जैसे ही आपका टू कॉमन आया रिमेनिंग क्या बचा है यहां पर ए यहां पर बी, जीरो में से कोई भी नंबर कॉमन आ सकता है तो नंबर वापस क्या रहेगा आपका जीरो, और यहां पर कॉमन लेने के बाद क्या बचा आपका ए, तो आंसर कितना रहेगा इन दोनों प्लस करने पर टू मैट्रिक्स ऑफ ए बी जीरो एंड ए। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका, सेकेंड स्टार्ट करेंगे वही सेम, क्या करना है आपको प्लस, इसको प्लस करें तो फर्स्ट पार्शन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका पार्ट क्या है टू ए बी, इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, इसका पोर्शन क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहां पर आपकी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, क्या फॉर्मूला था पढ़ा हुआ आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या आइडेंटिटी बनती है आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, तो क्या बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देन यहां पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, तो क्या रहेगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी किसकी है जैसे ये प्लस की थी इसी तरह ये माइनस की आइडेंटिटी क्या लग जाएगी
a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा इन दोनों का एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट का है ये। थर्ड पार्ट क्या करना है, इन दोनों को प्लस, इसको इसमें क्या करना है आपको प्लस, तो प्लस करना देख लो यहां से अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या रहेगा ये माइनस वन, माइनस वन का किसमें प्लस होगा 12, तो माइनस वन प्लस 12 कितना आंसर रहेगा आपका 11। इसी तरह से ये कितना है 4, 4 को किसमें प्लस करोगे 7 में, तो 4 प्लस 7 कितना होता है आपके वही सेम 11। माइनस का 6 प्लस का 6 क्या आंसर रहेगा आपका 0, एंड 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 कितना रहेगा आपके 5, देन आप बताओ कितना होगा 16, 16 को 5 में प्लस किया 16 प्लस 5 कितना होता है 16 प्लस 5 21, देन यहां पर कितना रहेगा 2, 2 को किस में प्लस करोगे 3 में, 2 प्लस 3 5, देन 8, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, और 5, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 9, तो थर्ड का आंसर क्या रहेगा आपका 11, 11, 0, 16, 5, 21, 5, 10 और 9। नेक्स्ट इसका सेकंड फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसमें भी क्या करना है आपको दोनों को ऐड ही करना है, ऐड करना आता है आपको, क्या रहेगा कॉस स्क्वायर को किस में ऐड करोगे साइन स्क्वायर में, तो क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेकेंड क्या रहेगा वही सेम, साइन स्क्वायर को किस में ऐड करना है कॉस स्क्वायर में, तो क्या रहेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेकेंड वो देखते हैं साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, तो क्या रहेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और देन लास्ट कॉस स्क्वायर एक्स को किस में प्लस करोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1, ये भी क्या रहेगा 1 और ये भी क्या रहेगा 1, तो इन दोनों ऐड करने का आंसर कितना रहेगा आपका 1, 1, 1 और 1, सारे डिजिट अगर 1 होते हैं तो उसको अपन आई से भी डिनोमिनेट कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू रहेगी ये वाली, जिसको अपन किससे लिख सकते हैं आई से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वही उसी तरह से कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट, दोनों क्या करना है प्रोडक्ट, ये गलत दे रखा है, इन दोनों क्या करना है आपको प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, क्या दे रखा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए और बी का आपने मल्टीप्लाई किया था इसी तरह से ये वाला ए ले लेते हैं और ये वाला क्या हो जाएगा बी, दोनों को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें ए बी माइनस बी एंड ए, और इसका किससे मल्टीप्लाई करना है आपका ए माइनस बी बी एंड ए, मल्टीप्लाई का क्या सिस्टम रहता है इसकी रो और इसकी कॉलम, फर्स्ट रो कितनी है ए, ए का मल्टीप्लाई किससे होगा ए से, तो देन ए स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं बी, बी का मल्टीप्लाई किससे होगा बी से, तो क्या रहेगा बी स्क्वायर, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा आपका फर्स्ट कॉलम से, वही सेम फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे होगा सेकंड कॉलम से, फर्स्ट ए का माइनस बी से करा आंसर कितना रहेगा माइनस ए बी, देन बी का ए से करा तब आंसर कितना रहेगा आपका ए बी, देन थर्ड रो के अंदर स्टार्ट करते हैं माइनस बी का किससे मल्टीप्लाई होगा ए से, तो माइनस ए बी, और इस रो का नेक्स्ट कितना होगा ए का बी से, तो क्या रहेगा आपका ए बी। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या होता है आपका सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो में कितना माइनस बी एंड माइनस बी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, और ए का जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो कितना रहेगा ए स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल होकर क्या बन जाएगा आपका जीरो, देन आगे माइनस ए बी प्लस ए बी कितना रहेगा जीरो, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रहेगा आपका एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनमें से अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आप कॉमन लेना चाहते हो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो रिमेनिंग कितना रहेगा वन जीरो जीरो,
एंड 1, ये आपका आंसर रहेगा फाइनली। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग कितना रहा 1, 0, 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, इसका सेकंड पार्ट, वही प्रोडक्ट दे रखा था, तो इन दोनों को आपस में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 1, 2, 3, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 2, 3 एंड 4 से, वही सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट रो का पहले सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और देन फिर थर्ड रो का सभी कॉलम से क्या होगा मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो का अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इस 1 का सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करा 2, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करा 3 एंड 1 का 4 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया आपका 4। देन सेकंड रो कितनी है 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 एंड 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8। देन 3 का मल्टीप्लाई करोगे किससे 2 से 6, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एंड 3 का 3 से मल्टीप्लाई 3 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। तो किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो ऑर्डर होगा वो कैसे फाइंड करते वो भी बता देते हैं। जैसे यहां पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 3/2, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 3/2, मतलब 3 रो एंड 2 कॉलम। इसी तरह से अगर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर मान लेते हैं अपन 2/3, क्या दे रखा है 2/3, फर्स्ट का 3/2 एंड सेकंड का 2/3। तो आपको अगर पूछ ले कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो कौन से ऑर्डर में आएगा वो आपको बताना है। तो क्या करते हैं, ए का बी, ए का ऑर्डर कितना है 3/2 एंड बी का ऑर्डर कितना है 2/3, लास्ट और फर्स्ट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ए और बी के मल्टीप्लाई का ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा आपके 3/3। इसी तरह यहां से अगर देखते हैं इसके अंदर रो कितनी थी 1, 2 एंड 3, रो कितनी थी 3, तो 3 और कॉलम कितना था 1, इसका ऑर्डर क्या बना 3/1। इसी तरह इसके अंदर रो तो कितनी है 1 और कॉलम कितनी आ जाएगी आपके 3/1। ये लास्ट और फर्स्ट हमेशा सेम होना चाहिए, तो ये फर्स्ट होके कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 3/3। तो जो इसका आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा 3/3 की फॉर्म में, जो कि आपको दिख रहा है 3 रो एंड 3 कॉलम। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, अपन कौन सा है ये वाला, ये ए की वैल्यू और ये बी की, अब इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 2/2, 2 रो एंड 2 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 2/3, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो ये अगर कैंसिल हो जाता है तो जो आंसर का रहेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा 2/3, जो आंसर है वो किस फॉर्मेट में आएगा 2 रो एंड 3 कॉलम के अंदर, मतलब इस फॉर्मेट में। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो फर्स्ट रो का किससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, करें आप क्या रहेगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें आपका कितना रहा 1, फर्स्ट रो एंड सेकंड -2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। देन फर्स्ट का किससे होगा 2 से 1, 2 और -2 का किससे होगा 3 से, तो कितना हो जाएगा आपका 6। 1 का किससे होगा 3 से 1, 3 और -2 का -1 से, तो कितना हो जाएगा -2। सेकेंड वही 2 का किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से 2 एंड 3 का किससे होगा 2 से, 3 2 जा 6। इसी रो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। और लास्ट इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इसका आंसर कितना रहेगा आपको 1 -4 -3 2+6 8, 3 -2 1 2+6 8, 4+9 13 एंड 6+3 क्या रहेगा आपका 9। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना आप सीख गए। देन इसी तरह से ये क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा 3 रो एंड 3 कॉलम, ऑर्डर क्या रहेगा 3/3। इसमें भी क्या ऑर्डर रहेगा 3/3, ये तो आपका हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर का ऑर्डर कितना रहेगा 3/3, 3 रो एंड 3 कॉलम। ये आप ट्राई करना, जो भी आंसर आता है कमेंट में डालना, वो डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसी तरह ये भी क्वेश्चन सेम है, इसका ऑर्डर कितना रहेगा 1 2 3
थ्री रो एंड टू कॉलम, थ्री रो एंड टू कॉलम, और इसका ऑर्डर कितना रहेगा आपका टू रो एंड थ्री कॉलम, तो ये तो हो जाएगा सेम कैंसिल, तो आंसर का ऑर्डर कितना आएगा थ्री बाई थ्री, मतलब थ्री रो एंड थ्री कॉलम। इसका भी आंसर आप निकाल के चेक करना, अगर कोई डाउट आता है किसी को भी तो आप चेक कर सकते हो, कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट इसी तरह सिक्स का भी आप ट्राई करोगे, क्या रहेगा क्वेश्चन, थ्री रो कितनी है टू, सॉरी टू रो एंड कॉलम कितने हैं थ्री, वन एंड वन, टू रो कॉलम कितने हैं वन टू एंड थ्री, इसमें रो कितनी है वन टू थ्री, थ्री रो और कॉलम कितने आपके टू, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आप किस फॉर्मेट में आएगा टू बाई टू के फॉर्मेट में। चलो इसको अपन ट्राई करते हैं, आंसर किस फॉर्मेट में आएगा टू बाई टू के फॉर्मेट में, तो पहले किसका मल्टीप्लाई करो थ्री का टू से, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा आपका सिक्स, देन माइनस वन का प्लस वन से तो कितना रहेगा माइनस वन, एंड थ्री का थ्री से मल्टीप्लाई करो कितना रहेगा आपका नाइन, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, देन फर्स्ट रो का किससे करोगे सेकंड कॉलम से, थ्री का माइनस थ्री से करोगे तो आपका माइनस का नाइन, एंड माइनस वन का जीरो से करोगे तो ऑलवेज इज जीरो, और थर्ड कितना रहेगा थ्री का वन से करते हैं तो थ्री का वन से करोगे कितना रहेगा थ्री, देन सेकंड रो स्टार्ट करते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, माइनस वन का टू से करा माइनस टू, एंड जीरो का वन से करा जीरो, एंड टू का किससे करेंगे थ्री से, कितना हो जाएगा सिक्स, लास्ट कितना इस रो का इस कॉलम से माइनस वन का माइनस थ्री से करें तो कितना रहेगा आपका थ्री, जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और लास्ट टू का वन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा टू, सॉल्व करेंगे सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव प्लस नाइन कितना होता है फोर्टीन, माइनस नाइन प्लस थ्री देन माइनस सिक्स, माइनस टू प्लस सिक्स फोर, थ्री प्लस टू कितना रहेगा आपका फाइव, इसका आंसर आपका रहेगा 14 माइनस सिक्स फोर एंड फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, थर्ड तक अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो ओपन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फोर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।